हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम सर्कुलर मोशन के कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट लाइक बॉडी पर। एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको बताना है मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, आपको बताना है मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो इस कंडीशन में हम देखें अगर, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में सर्टेन एंगल बनता है, तो इसका मतलब हम इसमें सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस केस में हम ए इक्वल टू वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आर आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ए आपको दिया हुआ है, तो इससे और वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर का मतलब होगा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। वेलोसिटी आपको 8 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब हम इसके कंपोनेंट करते हैं। अगर मैं दो एक्सेस बना देता हूँ, ये अपने अलोंग द एक्सेलरेशन डायरेक्शन में हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेस बना। अब हम देखें तो ये एंगल 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 90 दैट इज 60। ये 60 हो गया, इसका मतलब इस वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो आएगा 8 cos 60। तो v परपेंडिकुलर विल बी 8 टाइम्स cos 60 डिग्री, एंड cos 60 इज बेसिकली 1/2, दैट मींस 8 इंटू 1/2, 4 मीटर पर सेकेंड, ये v परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इससे v परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन r, दैट मीन्स वी फोर स्क्वायर अपॉन रेडियस। और एक्सेलरेशन हम जानते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो दे रखा है आपको, तो इससे आर निकल जाएगा, आर विल बी 4 स्क्वायर अपॉन 2। 4 स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मीटर। आंसर। Let us take another example. A motor car is traveling at 2 meter per second. यहाँ पर हम एक मोटर कार बना देते हैं, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर। इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन ऑफ मोटर कार बताना है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस आपको दी हुई है और स्पीड में चेंज करने की रफ्तार दी हुई है, स्पीड में चेंज होने की रफ्तार, वेलोसिटी में चेंज की रफ्तार नहीं दी है। तो आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर कार कितना होगा, ठीक है। तो इसमें दो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो दो तरह के एक्सेलरेशन आते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एक रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन हम वी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल सकते हैं और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियल एक्सेलरेशन इसमें हो जाएगा ए रेडियल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रेडियस, वी स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रेडियस इज 100 मीटर। This will give you 20 into 20 upon 100, 4 meter per second square. And tangential acceleration is directly given to you, that is 3 meter per second square. Now, A radial or A tangential आपको पता है, लेकिन उसने net acceleration पूछा है. So, net acceleration will be square root of A tangential square plus A radial square. That will give you root over 3 square plus 4 square. 9 प्लस 16 फिर 25 अंडर रूट हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। वन वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हम लेते हैं इसमें, द रियर व्हील्स ऑफ अ कार आर
टर्निंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड। 60 रेडियन पर सेकेंड, ये आपको ओमेगा इनिशियल की वैल्यू दी हुई है 60 रेडियन पर सेकेंड। द ब्रेक्स आर अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है जिसमें ओमेगा चेंज होगा क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं। कॉजिंग अ यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन ऑफ 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको अल्फा दिया हुआ है जो कि माइनस में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन टर्न बाय द रियर व्हील्स ड्यूरिंग द ब्रेकिंग पीरियड इज, तो आपको ये बताना है कि जब वो ब्रेक लगा रहा है यानी ओमेगा फाइनल विल बी जीरो, 60 रेडियन से 0 रेडियन पर सेकेंड तक आने में उसने कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर लिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग ब्रेकिंग, यह क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करें, तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि ब्रेकिंग के ड्यूरेशन में उसने टोटल एंगल कितना ट्रेवल किया। टोटल एंगल ट्रेवल करना है आपको, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोशन में और लीनियर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूला सेम होते हैं, तो हम वही अप्लाई कर देते हैं और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, इससे हमें थीटा रेडियन में मिल जाएगा। ओमेगा इनिशियल आपको दिया हुआ है 60 रेडियन पर सेकेंड, 60 इंटू टाइम, टाइम इज 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू अल्फा, अल्फा क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए हमने नेगेटिव लिया था, माइनस 8 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 4 इंटू 25 दैट इज 100। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आया 200 रेडियंस, पर हमें थीटा तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे। तो 200 रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 पाई रेडियन में व्हील एक रिवॉल्यूशन ले लेता है, दैट मीन्स यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं, 1 रेडियन में 1 अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन ले लेगा, दैट मीन्स 200 रेडियन में 1 अपॉन 2 पाई इंटू 200, 100 अपॉन पाई रिवॉल्यूशन। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 100 अपॉन 3.14, तो इसे सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली 32 रिवॉल्यूशन आएंगे, 32 रिवॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली ये कंप्लीट कर लेगा।